फिरोजाबाद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर संघर्ष समिति द्वारा निकाली जाएगी शोभा यात्रा। इस दौरान भाजपा के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ नगर विधायक मनीष असीजा और भाजपा के नेता भी होंगे शामिल। इसके लिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया कि आगामी 2 जून को लोक माता अहिल्याबाई जी की पूर्ण स्मृति है, जिसको लेकर यह तैयारियों की गई हैं, जिसके चलते 2 जून को एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि शहर के अहिल्याबाई चौराहे से प्रारंभ होकर कोटला रोड होती हुई सेंटर चौराहे तक जाएगी, जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल होंगे, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोक माता अहिल्याबाई होलकर संघर्ष समिति के लोग भी शामिल रहेंगे। यह शोभा यात्रा शाम 4 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे तक सेंटर चौराहे पर जाकर पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद। आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस उद्देश्य से रखी गई है और क्या इसके मूलभूत उद्देश्य हैं? लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 294वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की बात, इस वर्ष भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 2 जून को किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 दर्जन झांकियां काली अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा के साथ बैंड वाले याद निकाले जाएंगे। इसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल होंगे, उनके साथ में नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव, नगर विधायक मनीष असीजा जी और महापौर नूतन राठौर जी होंगे। शोभा यात्रा पालीवाल हॉल से शुभारंभ होगा, जलेसर रोड डाकखाना होती हुई प्रतिमा स्थल दखल पर समापन होगा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, पाल भरे धनगर समाज जिंदा रहे। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्यों की जा रही है? साथियों, पत्रकार बंधुओं, पाल भेल धनगर समाज के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि पाल भेल धनगर समाज की आधार देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 294वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा नगर फिरोजाबाद में निकाली जा रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रोफेसर एस पी सिंह जी बघेल, सांसद आगरा मुख्य अतिथि होंगे, उनके साथ शानदार, जानदार, ईमानदार नगर विधायक माननीय मनीष असीजा जी, सुश्री नूतन राठौर जी महापौर होंगे, वह नव निर्वाचित सांसद आदरणीय जादव साहब होंगे। इसके साथ भव्य शोभा यात्रा पालीवाल हॉल से प्रारंभ होकर के नगला दखल प्रतिमा पर समापन होगा।